हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हमारा पार्ट 3 चल रहा है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन के कारण, ठीक है, कॉजेज क्या होते हैं। तो हमारे जो सीरीज़ चल रही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे देखिए, जिसमें हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख लिया है, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन पार्ट 1 में देख लिया है, और टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन हमने पार्ट 2 में देख लिया है। यहाँ पे देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन पार्ट 3 में। चलिए, तो ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपको केवल मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए, तो फर्स्ट कारण है कि शेयर द बर्डन्स इन फंडिंग। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि जो एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में हुआ रहता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट को फंडिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। बिल्डिंग्स बनाने हैं और स्कूल्स तैयार करने हैं, उसके लिए बहुत सारे जो है फंडिंग उनके करनी पड़ती थी। तो इसका बर्डन जब प्राइवेटाइजेशन होने लगा, तब क्या हो गया कि जब निजीकरण होने लगा, तो इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था फंडिंग का, वो कम हुआ। क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट कंपनियाँ भी अपने लिए जो एजुकेशन की जो स्कूल्स हैं उसमें फंडिंग करने लगी, तो इससे थोड़ा काम आसान हो गया गवर्नमेंट का, ठीक है। उनका बर्डन जो है वो लेस हुआ, क्योंकि जो एजुकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हर क्षेत्र में जो स्कूल कॉलेजेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत वास्ट हो गया था, लेकिन फंडिंग की जो ज़रूरत थी उसके कारण जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक बर्डन जैसा था, तो उसके कारण जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो उसका जो शेयर द बर्डन्स इन फंडिंग, तो प्राइवेटाइजेशन होने पर प्राइवेट कंपनियां ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, ठीक है। सेकंड है नॉलेज एक्सपांशन। यहाँ पे देखिए, नॉलेज और एजुकेशन इज बिकमिंग द की फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। एजुकेशन इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोशल सर्विस, रैदर इट इज़ कंसीडर्ड एज नेसेसर इकोनॉमिक इनपुट। तो जो नॉलेज है और एजुकेशन है आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है, और ये जो है डेवलपमेंट की जो नॉलेज और एजुकेशन से डेवलपमेंट आता है किसी भी कंट्री में, ठीक है। लेकिन जो एजुकेशन है आजकल उसे एक सोशल सर्विस के तरीके से नहीं लिया जाता, इकोनॉमिक इनपुट के तरीके से इसको जो है लिया जाता है। तो इसका एक कारण ये भी है कि इकोनॉमिकली इससे जो है थोड़ी सी प्रॉफिट होता है। इस कारण से जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने भी एजुकेशन और स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ठीक है। चलिए, थर्ड है टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजीज। तो जो पब्लिक सेक्टर होती है, जैसे कि हमने देखा है जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, उधर पे जो टेक्नोलॉजीज होती है उसकी कमी होती है, ठीक है ना। क्योंकि आजकल क्या है, आजकल जो हमारा जो एनवायरमेंट है, आजकल हमारा जो मतलब टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हर जगह क्या हो चुका है, डेवलपमेंट आ चुकी है। तो ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं वो भी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ें। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इन सब फैसिलिटी की कमी होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल होती है वो ऑल इंडिया में होती है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता गवर्नमेंट में कि हर जगह वो बराबर जो है हर जगह बराबर वो उनका ध्यान जा सके। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम कई बार गवर्नमेंट स्कूल में देखते हैं कि क्या होता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी होती है। लेकिन जब वही प्राइवेटाइजेशन हो जाता है उसका, तब क्या होता है, वहाँ पे बच्चों को फैसिलिटी मिल जाती है किसकी, टेक्नोलॉजी के हिसाब से के हेल्प से पढ़ते हैं। फोर्थ है यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो प्राइवेटाइजेशन से क्या हो जाता है कि जो टीचिंग की क्वालिटी होती है, टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी में भी बहुत डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है, क्योंकि आजकल भी लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल भेजने की अपेक्षा कहाँ भेजना पसंद करते हैं, प्राइवेट स्कूल में। क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ जो है डेवलप होता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी होती है, अच्छी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी अच्छी तरीके से होती है, इसीलिए इम्प्रूवड होता है इन कंपेरिजन विथ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। अब सिक्स्थ है लास्ट पॉइंट, हेल्प गवर्नमेंट इन फाइनेंस। तो प्राइवेटाइजेशन बाय जनरेटिंग मोर रिसोर्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स फीस हेल्प टू रिड्यूस फिस्कल बर्डन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि जो प्राइवेटाइजेशन से क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में जो
प्राइवेट सेक्टर के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, गवर्नमेंट को हेल्प होता है, ठीक है, इन फाइनेंस भी हेल्प होता है, क्योंकि प्राइवेट जो स्कूल्स होते हैं वो भी अपनी कुछ वहाँ पे शेयर जो होती है फंडिंग वहाँ पे लगाती, तो इस वजह से गवर्नमेंट को भी हेल्प हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्या कारण है, कारण है प्राइवेटाइजेशन के, निजीकरण, जो स्कूल का जो शिक्षा का जो निजीकरण होता है उसके कारण है। शेयर द वर्डन्स इन फंडिंग, नॉलेज एक्सपांशन, टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग टेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ टीचिंग, हेल्प गवर्नमेंट इन फाइनेंस। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे तो आपको उसका PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।